सर 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 आपसे बेहतर वो जवाब दे पाएंगे। जी जी लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल। या थैंक यू सो मच, आपने मेरे को बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं कुछ एक गलत धारणाओं को पहले दूर कर दूं। ठीक है। सबसे पहली धारणा तो ये है जो अभी बताया गया कि वन रैंक वन पेंशन। मैं आपको आपके माध्यम से आपके सुनने वालों को ये बताना चाहता हूं कि वन रैंक वन पेंशन आज तक नहीं हुआ है और ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि जो डिस्कशन है ये डिस्कशन अमर जवान ज्योति की है। ये डिस्कशन इसकी नहीं है कि 1971 के जो शहीद थे उनके नाम क्यों नहीं थे। ये डिस्कशन इसलिए नहीं है कि आज तक वॉर मेमोरियल नहीं था तो क्यों नहीं था। कई बार मैंने देखा है कि इस तरह की बात होती है कि बच्चा पैदा होती है दौड़ने लग जाए, बात करने लग जाए, शादी काबिल हो जाए। ऐसा होता है क्या? इट टेक्स टाइम। यस, इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट। यस, अभी जैसे हमारे सीनियर कलीग ओवरनाइट बन जाता है, आप राजीव गांधी मेमोरियल नेहरू मेमोरियल ओवरनाइट बन जाते हैं। कर्नल साहब आपके बड़े दिल को सलाम करती हूं मैं कि शहीदों का स्मारक अगर 70 साल नहीं बना तो आपको कोई दुख नहीं है। जनरल बख्शी साहब ये कह रहे हैं कि ओवरनाइट नहीं होता है, भाई कोई बात नहीं, टाइम लगता है। मैडम आप बोलने देंगी? आप बोलने देंगी? आपने बोला उसी में से मैंने बात निकाली सर, आप बोलिए और बोलिए। नहीं नहीं उसमें से नहीं नहीं उसमें से बात मत निकालिए ना, पहले मेरे को बात खत्म तो कर लेने दीजिए। हाँ जी, सो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि इंडिया गेट जिसपे की हमारे सोल्जर्स के नाम लिखे हैं, हमारे सोल्जर मतलब इंडियंस के नाम लिखे हैं, ये उनकी शहादत का को नमन का एक प्रतीक है। ये नहीं है कि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने बनाया था कि किसने बनाया था। अगर ब्रिटिश की बनाई हुई कैनोपी के नीचे अमर जवान ज्योति अगर गलत है तो सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा ठीक है? ऐसा कमाल कर रहे हैं आप लोग।